एवरीवन, नमस्ते, केम छो, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होगे, ठीक होगे और मजा मोगे। हम सबका ना कोई फेवरेट फेस पिक होता है जो हम कोई भी सीजन में या तो किसी भी मूड में अप्लाई करना पसंद करते हैं, चाहे हमारी स्किन डल हो, हमारे में एनर्जी हो या ना हो। तो वैसा ही आज ना मेरे साथ है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थकान के कारण, या तो जब आप एनर्जेटिक फील नहीं करते हो या तो आपकी तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो फेस के ऊपर डलनेस आपकी दिखाई देती ही है। तो ऐसे में अगर आपको कहीं पर जाना है ना, तो इंस्टेंटली डलनेस रिमूव करने के लिए मैं ये फेस पिक ज़रूर यूज़ करती हूँ। इससे ना सिर्फ आपकी डलनेस दूर होगी, बट आपकी स्किन के ऊपर एक ब्राइटनेस इफेक्ट भी आएगी। सन टेंट, पिगमेंटेशन, झाइयाँ, अनइवन स्किन टोन जैसी ये स्टबन प्रॉब्लम भी आप ना ठीक कर सकते हो। तो ये सिंपल सा पैक बनाने के लिए सबसे पहले हमें मुल्तानी मिट्टी लेनी है। आप सबको पता है कि मुल्तानी मिट्टी आज से नहीं, सालों से, रानियों के ज़माने से ही चली आ रही है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी के पास ना ऐसी एबिलिटी है जो हमारे स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, हमारे पोर्स को अनक्लॉग करने में मदद करती है, एक स्किन प्यूरीफायर का काम करती है, हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करती है। सेकेंड, आपको यहाँ पर 1/4 टेबलस्पून जितना चावल का थोड़ा सा दरदरा आटा लेना है, जो एक माइल्ड स्क्रबिंग का काम करेगा। उसके बाद अगर आपके पास टी ट्री एसेंशियल ऑयल है तो आप एक या दो बूंद इसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद एक मीडियम साइज का आपको आलू लेना है और उसका जूस आपको निकाल लेना है, क्योंकि जो पोटैटो होता है वो उसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। उसका आप जूस तकरीबन 2 चम्मच ऐड कीजिए। लास्ट में आपको थोड़ा सा 1/4 टेबलस्पून जितना दही ऐड करना है। सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लिया, आपका यहाँ पर इंस्टेंटली स्किन को ब्राइट करने वाला पिक तैयार हो गया है। आप पूरे फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा बच जाता है ना, तो आपके हैंड्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, आपके नेक के ऊपर इसको यूज कर सकते हो। अब मुल्तानी मिट्टी का काम है हमारे पोर्स को अनक्लॉग करना, उसके अंदर जितना भी कचरा है उसको साफ करना। साथ में अगर आपको ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है ना, तो उसको दूर करके ना आपको एक स्मूथ एंड सॉफ्ट स्किन मुल्तानी मिट्टी प्रोवाइड करती है। जस्ट 10-15 मिनट्स के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद सिंपल वाटर से आप आपका चेहरा धो लीजिए एंड हियर यू गो। इस तरीके से आपको ना हफ्ते में 2 से 3 बार ये पिक को फॉलो करना है। जैसे हम पार्लर में जाके महंगे फेशियल या तो ब्लीच करवाते ना, ऐसा ही सेम आपको रिजल्ट मिलेगा, बट एक ऐसे इंग्रेडिएंट के साथ जो आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देगी। सेकेंड DIY जो अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ही सिंपल होने के साथ साथ 100% इफेक्टिव है। जिनको दाने, पिंपल, फूसी या तो एक्ने की बहुत ज़्यादा सारी सीजन में प्रॉब्लम रहती है ना, तो ये छोटा सा DIY आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा हनी ले लीजिए, हनी के अंदर आपको 3 से 4 ड्रॉप टी ट्री एसेंशियल ऑयल ऐड करना है। यहाँ पर मैं एल्फ्स गुडनेस का टी ट्री एसेंशियल ऑयल ले रही हूँ। टी ट्री एसेंशियल ऑयल गाइस बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल रहता है। सबसे पहले तो ये हमारी स्किन को प्यूरीफाई करता है, डिटॉक्सिफाई कर, हमारी स्किन को साफ करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर ना एंटी माइक्रोबायल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, जो एक्ने, ब्लेमिशेस, पिंपल, बम्पी स्किन उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है ना, तो आपके कोई भी ऑयल के अंदर 2 से 3 ड्रॉप टी ट्री एसेंशियल ऑयल ऐड करके ये स्कैल्प के ऊपर लगा सकते हो। तो ऑलरेडी ये जो प्रोडक्ट है ना, मैंने वीडियो में टैग कर दी है, व्यू प्रोडक्ट में जाके इजीली वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। जो हमने यहाँ पर अभी मिक्सर बनाया ना, वो आपको डेली रात को सोने से पहले 10-15 मिनट्स के लिए अप्लाई करके रख देना है। जब आपको लगे कि हाँ 10 से 15 मिनट हो चुकी है, जस्ट सिंपल पानी से आप आपका चेहरा धो लीजिए। ऐसे आपको डेली करना है 1 वीक के लिए। सो गाइस, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड आई लव यू सो मच।